हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हो गुनगुन ऑलराउंडर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दो तरीके की राखी, एक अपने भैया के लिए और एक अपनी भाभी के लिए। तो ये दोनों राखी मैं बताऊंगी, बहुत अच्छे से स्किप मत कीजिए इस वीडियो को, बहुत ही अच्छा है। और साथ में मैं पिछले साल की जितनी भी मैंने रक्षाबंधन बनाया था और मिठाइयाँ बनाई थी, बहुत कुछ मैंने रक्षाबंधन पर अगले साल किया था, तो वो सब भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लॉकडाउन में हम लोग उस समय रक्षाबंधन बना नहीं सकते थे, सॉरी राखी, तो इसीलिए मैंने सब बनाया है घर पे और बहुत ही कम सामानों से। तो आप लोग वो सब भी जाके देख सकते हो। ये थाली डेकोरेशन मैंने किया है रक्षाबंधन के लिए, मिठाइयाँ बनाई हैं बहुत सारी, तो प्लेलिस्ट में आपको वैसे तो ये सब मिल जाएगा, पर तब भी मैं लिंक दे दूंगी आप लोग को। तो चलिए, आज तो हम लोग भाभी और भैया के लिए राखी बना रहे हैं ना, तो उन दोनों की राखी अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है ऊन, ये देखिए। आप लोग कोई सा भी कलर ले लीजिए जो भी आपके भाई को पसंद हो। और साथ में यहाँ पर मैंने सुई लिया है, बट इसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़े पीसेस कट कर लिए हैं ऊन के। और यहाँ पे मैंने लिए हैं पर्ल बैच, ये सब आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो ये देखिए। और ये नहीं कि अगर आपने ये सोचा कि अब तो ये मार्केट में मिलेगा, जाना पड़ेगा इसके लिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरी वाली रक्षाबंधन देखिए, वो तो बहुत इजी है, घर के सामानों से बना है। और जिनके पास ये सब सामान है तो वो वाली आप लोग ये वाली रक्षाबंधन देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बैच लिया है मैंने। आपको जहाँ पे भी स्टेशनरी का सामान मिलता होगा वहाँ पे ये इजीली बैच मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हुक्स हैं, ये दोनों तरफ हुक्स हैं। साथ में यहाँ पे मोर बना है, नग लगा है, कृष्ण जी बने हैं। और मेरे भैया को ना ये मोर वाली राखी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उनके लिए ये वाला चूज़ किया है। और वैसे मेरे पास एक और था, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी दो हुक हैं, बट मैं यहाँ पर मोर वाला ही लूँगी। तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बैचेस लिए हैं मैंने। और भी आप लोग अपने मनपसंद का ले सकते हैं, उसमें भैया भी लिखा हो सकता है, बहुत सारे मिलते हैं, तो आप लोग कोई से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं जो मैंने ऊन कट करके रखे थे उनमें से मैंने एक ले लिया है और इसे मैं इस तरीके से इंसर्ट कर लूँगी इसमें, ये देखिए ऐसे मैंने घुसा लिया इसमें। और घिसाने के बाद यहाँ पे मैं नॉट बांध दूँगी, दो नॉट बांध दीजिएगा जैसे अच्छे से टाइट हो जाए एकदम। और मुझे वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा। और साथ में मेरी जो अभी रेसिपी आई थी रक्षाबंधन स्पेशल, वो तो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो वैसे ही मैं एक दो रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब बस एक हफ्ता रह गया है रक्षाबंधन में, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो ये देखिए यहाँ का हो गया है। और अब मैं दूसरे में भी ऐसी कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे मैंने घुसा लिया। और इस तरफ भी मैं दो नोट बांध दूँगी, ऐसी मैं बांधूँगी। और अगर आपके छोटे भाई हैं ना, एकदम छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से भाई, तो मैं उनके लिए भी लेके आऊँगी एक अच्छी सी राखी। तो आप लोग पूरा मतलब देखिए वीडियो, और साथ में मेरी पिछली वीडियो भी देखिए। तो अब मैंने यहाँ पर एक कागज़ ले लिया है, आप लोग चाहे तो बड़ी वाली वो जो सुई होती है ना उसमें ऐसे घुसा के मोतियाँ घुसा सकते हैं, बट मेरे पास छोटी वाली सुई थी इसीलिए वो घुस नहीं रही थी धागा उसमें, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को ऐसे रोल करके फेविक्विक से चिपका लिया है। और अब मैं इसमें मोती घुसाऊँगी अपनी, ये देखिए इसे अच्छे से आराम से घुसाएँगे। यहाँ पे आराम से घुस गया मेरा पूरा कागज़ भी, जो थान लगाया था ना मैंने वो भी हट गया। बट डोंट वरी, हम लोग की मोती तीन घुस गई हैं। हर तरह आपको चार चार लगाना है, और ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने ये थोड़ी सी ब्राउन में मोती ली हैं, तो आप लोग भी ये ब्राउन में ही मोती लीजिए। आप लोग चाहे तो वाइट मोती भी ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं इस साइड भी मोती, मैंने उस तरफ भी फोर मोती लगाए हैं और इस तरफ भी मैं फोर मोती लगा लूँगी। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये ना, आप लोग अपने छोटे छोटे बहन भाइयों से भी बनवा सकते हैं। और अभी तो रक्षाबंधन स्कूल में कंपटीशन भी चल रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग ये सब रक्षाबंधन बना सकते हैं। तो ये देखिए राखी बनके रेडी हो चुकी है, इसमें आप लोग थोड़े से छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैंने उससे नहीं अभी लगाया है। और
इतने में ही इतनी सुंदर लग रही है मुझे। तो चलो भैया की तो राखी बनके एकदम मस्त रेडी हो गई है, अब भाभी की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो राखी कितनी अच्छी होने वाली है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, और इसके लिए आपको तो सारा सामान ना आपके घर में ज़रूर होगा। तो चलिए अब दोनों राखी तो अभी मेरी बन चुकी है, बट आप लोग अब भाभी की राखी जाके देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाभी की राखी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक कड़ा, और वो कड़ा ना आपकी मम्मी का हो सकता है या फिर आपका, तो जो भी आपको कड़ा लगे कि ये मामी के हाथ में चला जाएगा तो वैसा कड़ा ले लीजिए आप लोग, और मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि ये कड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं, फेविबॉन्ड से भी और फेविकोल से भी। तो अब मैं इस रिबन को, आप लोग कोई सा भी रिबन ले सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो कलर का रिबन लिया है और मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अब मैं ऐसे कर लेती हूँ, पूरा अच्छे से रोल करना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं करके रोल कर लूँगी पूरे कंगन को। अच्छे से पूरा रोल कर लेंगे, और लास्ट में यहाँ पे हमने लगा दिया अपना ग्लू। तो देख सकते हैं ये बहुत जल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से अब मैं जितना भी बचा हुआ रिबन है ना उसे हम लोग कट कर लेंगे, और अब ये कड़ा तो अच्छे से बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब यहाँ पे मैं कुछ स्टोन्स वगैरह चिपकाऊँगी, यहाँ पे मैं पर्ल का यूज़ करूँगी चिपकाने के लिए। आप लोग चाहे तो कोई भी स्टोन स्टिकर्स ले सकते हैं, यहाँ पे मैं वाइट पर्ल का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसे भी अब हम लोग अपने ग्लू गन से स्टिक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लगा लेती हूँ ग्लू से, और अब मैं स्टिक कर लूँगी आराम से, और इससे बहुत जल्दी चिपक जाता है फ्रेंड्स। बट अगर आप लोग बहुत छोटे किड्स हैं तो आप लोग बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, और कर भी रहे हैं तो अपने बड़ों के साथ यूज़ कीजिएगा। तो इसे मैंने यहाँ पे गर्म करके रख दिया था, तो अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं चारों तरफ इसके पर्ल लगा लूँगी। तो ये देखिए ऐसे ही हमें अपने सारे पर्ल्स लगाने हैं। आप लोग चाहे तो फ्रेंड्स ऐसे एक मोती रख लीजिए, फिर उसके बाद कोई और चीज़ मतलब किसी और कलर की मोती लगा लीजिए, गोल्डन कलर किसी भी कलर की भी, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे आपको फ्रेंड्स एक बात बताऊं, जब आप लोग ये रक्षाबंधन सब बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप लोग को ना खुद ही अपने मन से ये आइडिया आने लगेगा कि चलो ऐसे कर लेते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं। तो आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं अपने भाइयों के लिए। तो ये देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको कर करके दिखा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सारा कर लूँगी तब आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए इस पर्ल को भी चिपका दिया, और अब ये हमने सारे पर्ल्स को चिपका दिया, और कितना सुंदर सा कड़ा लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग चाहे तो सिंपल कड़ा आप लोग बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी हमने भाभी के लिए राखी बनाना है, तो इसके लिए हमें एक चाहिए लटकन। घर में साड़ियों में लटकन लगे रहते हैं, तो उसमें से भी आप लोग ले सकते हैं, और वैसे बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर का लटकन क्योंकि येलो कलर का रिबन है, और इसे यहाँ पे मैं टाई कर लूँगी, या फिर ये देखिए टाई या फिर आप लोग चिपका सकते हैं। तो ऐसे मैं इसे टाई कर लूँगी, और दो मैं नॉट्स लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। और जो ये मैंने पर्ल चिपकाया ना फ्रेंड्स, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे चिपकाया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, ये देखिए एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, और इट्स रेडी। ये बन के एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग इसे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। अगर आपकी कोई भाभी नहीं है ना तो आप लोग ये अपने लिए भी बना सकते हैं, अपने पहन लीजिएगा, तो कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अब किसके लिए रक्षाबंधन मतलब राखी चाहिए, और मिठाइयाँ चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।